अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी ने घुमारवीं बिस्क क्षेत्र में विकासात्मक कार्य को लेकर की जा रही राजनीति और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे विकासात्मक कार्यों पर सवाली निशान लगाए हैं। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में राजेश धर्माणी ने कहा कि विकासात्मक कार्यों के तहत सड़कों के विस्तारीकरण और टायरिंग में लगाई जा रही कथित घटिया सामग्री से सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से घुमारवीं बिस्क क्षेत्र में सरकारी धन की जा रही कथित लूट खसूट की विजिलेंस जांच करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान सड़कों की विस्तारीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 21 करोड़ रुपए तथा नाबार्ड से 20 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इन विकास कार्यों को राजनीतिक द्वेष के चलते पहले रोक दिया गया और जब काम शुरू किया गया तो गुणवत्ता और केंद्र सरकार के नियमों को ताक पर रखकर इसका कार्य शुरू किया गया। संबंधित ठेकेदार के पास टेक्निकल व्यक्ति न होने के कारण जैसे तैसे काम पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित कामों का विभाग के अधिकारियों ने भी निरीक्षण करना उचित नहीं समझा, जिस कारण सारी सड़कों पर की गई टायरिंग उखड़ गई। उन्होंने कहा कि संबंधित सड़कों पर दो बार पैच वर्क भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद 80% सड़कों की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार द्वारा न तो इसकी ग्रेडिंग की गई और ना ही सही तरीके से टायरिंग, जिस कारण इन सड़कों का स्तरोन्नत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो विभाग के पास जमा पैसे से काम शुरू नहीं किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक आधार पर वन भूमि पर भी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा व विप्लव ठाकुर द्वारा कुछ पैसा स्वीकृत किया गया था, लेकिन इनका काम शुरू नहीं किया गया है, जबकि विधायक प्राथमिकता के तहत स्वीकृत काम को भी राजनीतिक आधार पर लटकाया जा रहा है और दलील दी जा रही है कि वन विभाग की जमीन के चलते काम शुरू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व नाबार्ड से पैसा तभी मंजूर होता है जब इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही पैसा स्वीकृत होता है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर अपनों को लाभान्वित करने के लिए वन भूमि पर भी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिस्क क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे कार्यों के विरुद्ध पहले ही ढोल बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन यदि सरकार ने अब संबंधित कामों की विजिलेंस जांच न करवाई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने पर विवश होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो सड़कों का बहुत खराब हालत है, वहीं पर बिलासपुर जिला भी इससे अछूता नहीं है और बिलासपुर जिले के अंतर्गत घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनकी भी हालत दयनीय है। कुछ परियोजनाएं जो थी वो मेरे विधायक रहते यहाँ पे स्वीकृत कराई थी, उनके टेंडर हो गए लेकिन आज दिन तक वो पूर्ण नहीं हुई हैं। और एक तरफ विभाग जो है उसको पक्का कर रहा है, दूसरी तरफ उसको उखड़ साथ साथ उखड़ रही हैं। और हालत ये है कि लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि इससे तो अगर इन सड़कों का उन्नयन का काम नहीं होता तो शायद इससे बेहतर होती। जिन कार्यों के लिए जिन मदों के लिए पैसा स्वीकृत हुआ, ना तो वो कर्व जो है इम्प्रूव हुए, ना कलवर्ट बनाए गए, ना ड्रेन्स बनाई गई और लीपापोती जो है की गई। जो मटेरियल जिस तरह से प्लांट का मिक्स किया हो उस पर WMM डाला जाना था वो नहीं डाला गया और सीधा जो है क्वेरी करके मटेरियल जो है सीधा ले कर दिया और उसके ऊपर बिचुमेंट कंक्रीट डाली गई और सारी की सारी जो है उखड़ गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के पास के विरुद्ध जो है जिन्होंने ना तो फील्ड में कभी विजिट किया और जो उनका ठेकेदारों के साथ एक नेक्सस बना हुआ है उनके ऊपर जो है कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको दंडित करें।